हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया था, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स मैंने सोचा कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए। और आप में से कुछ लोग मुझे ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर आप कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में एक्सप्लेन प्लीज़ कीजिए। तो इसी बात को लेकर मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से लेकर, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और टाइम टू टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो उस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स में आपके साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और ये देखने के बाद अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाती है, मतलब कि इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेलेक्टिवली सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को आज अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या इसके टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को आप देखिए। तो आज का जो लेक्चर है इसे हम लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर विद एक्सल एट ओ। तो एक व्हील है, व्हील का एक्सल किस पॉइंट पर है? व्हील का एक्सल पॉइंट ओ पर है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है व्हील का एक्सल किस पॉइंट पर है, व्हील का एक्सल पॉइंट ओ पर है। ओके, और व्हील का डायमीटर भी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। व्हील का डायमीटर कितना है? 2 मीटर। तो यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस जो डायमीटर है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? 1 मीटर होगा, डायमीटर का आधा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ फोर्स एफ ऑफ 2 न्यूटन, एक फोर्स है 2 न्यूटन फोर्स, इज अप्लाइड एट बी, बी पे लगता है, इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। तो जिस डायरेक्शन में शो किया गया है उस डायरेक्शन में एफ नामक एक फोर्स बी पे लगता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ एंड देन एट पॉइंट ए। तो दो अलग अलग पॉइंट्स पर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, पहले मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स ओ पॉइंट पे कितना मोमेंट ऑफ फोर्स है ये निकालना है, और सेकेंड पार्ट में मुझे पॉइंट ए पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स है, किस फोर्स के द्वारा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, इस 2 न्यूटन फोर्स के द्वारा जो बी पर लग रहा है। तो बी पॉइंट पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और मुझे कैलकुलेट करना है कि उस फोर्स के द्वारा पॉइंट ओ पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है और पॉइंट ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है और हमें पता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी। आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेस इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का? फोर्स से जिस पॉइंट का हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं वहाँ तक, यानी हमारा पॉइंट से जिस पॉइंट का हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस। तो पहला पार्ट में हमें कहाँ का मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहा है? सेंटर ओ। तो हमारा ओ से फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, क्योंकि हमारा डायमीटर 2 मीटर दिया हुआ है। तो हमारा ओ से बी जो रेडियस है वो 1 मीटर होगा। तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। ओके ओके, लेट अस कैंसिल। आवर सॉल्यूशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो लेट अस मूव सी द सॉल्यूशन। व्हाट इज रिटन? मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ क्या लिखा हुआ है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने हमारा फोर्स कितना है? 2 न्यूटन, और हमारा डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ओ से बी हमारा डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो हमारा 2 न्यूटन मीटर हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ आता है। अब हमने क्लॉक वाइज यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फोर्स है ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉक वाइज मोमेंट। ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ है ऊपर में, तो ये पॉइंट बी पे इसका डायरेक्शन
इस तरफ लगा हुआ है, तो ये किस तरह का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट, ये व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हमें पॉइंट ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, पॉइंट ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना हो गया फोर्स का, तो वो जो डायमीटर है वही, यानी 2 मीटर। तो हमने क्या लिखा है, आप सॉल्यूशन को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, एफ इंटू डी, तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा, 2 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो एफ तो हमारा 2 न्यूटन है और डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, तो हमारा 4 न्यूटन मीटर। यहाँ गलती से 4 मीटर लिखा गया है, काइंडली इग्नोर द मिस्टेक। हमारा आंसर क्या होगा, 4 न्यूटन मीटर, ये हमारा 4 न्यूटन मीटर हमारा आंसर होगा, यूनिट्स यहाँ गलत लिखा गया है मेरे से, तो प्लीज इग्नोर दैट, 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है 2 न्यूटन फोर्स के द्वारा। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। तो एक चीज हमें क्लियर होता है कि पॉइंट्स, जिस पॉइंट पर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, वो पॉइंट चेंज होने पर सेम फोर्स के द्वारा अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स, अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स हमें मिलता है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इट सेज फिगर 1.31, यानी जो फिगर नीचे दिया हुआ है, इट शोज दो फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब देखिए, दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट ए पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन और एक पॉइंट बी पर फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया हुआ है, एंड दे आर एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ये हमारे फिगर में क्लियर दिया हुआ है। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मोमेंट, ओके, टोटल मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है दोनों फोर्सेस का, एट अबाउट पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए में कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर पॉइंट बी में कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर एट पॉइंट ओ, विच इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ टू फोर्सेस, फिर पॉइंट ओ पर क्या कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कपल, दिस इज द कंडीशन ऑफ कपल, वेयर टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन, एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो and they are opposite, so here is a couple formed. तो हमें एक formula हमने पढ़ा था, moment of couple, हमने ये formula moment of couple हमने पढ़ा था, तो moment of couple का क्या formula है, वो formula हमें use करना है। आप बताइए, आपको याद है moment of couple का formula क्या है? moment of couple का formula है either force, दोनों में से कोई भी force, either force into डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर। तो सेंटीमीटर को तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, वो आ गया हमारा 0.5 मीटर। तो दोनों फोर्सेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या सोल्यूशन किया, अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। नाउ हमें सबसे पहले पॉइंट ए पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्चुअली मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला मुझे यूज करना है, क्योंकि यहां पर कपल का कंडीशन हो रहा है। तो इधर फोर्स, यानी दोनों में से कोई भी एक फोर्स, तो कौन सा फोर्स ले लिया हमने, 10 न्यूटन ले लिया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 न्यूटन इंटू 0.5 मीटर, तो हमारा 5 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये फोर्स जो अपवर्ड्स है, ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो अब मुझे पॉइंट बी पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, यानी रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, तो यहाँ पे भी इधर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर, तो हमारा आंसर आ गया 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि मुझे पॉइंट ओ पर मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ओ पर जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट ओ पर
अब देखिए d क्या है पॉइंट O से फर्स्ट फोर्स का डिस्टेंस कितना है 0.25 मीटर, क्योंकि वो एग्जैक्टली मिडिल में है, और फिर दूसरा जो फोर्स है जो पॉइंट B से लग रहा है उस फोर्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 0.25 मीटर, यानी यहाँ A से O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 मीटर और O से B के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0.25 मीटर, यानी दो मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं, दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट ही हैं, और दो क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हमें ऐड करके फाइनल जो आएगा वो होगा हमारा पॉइंट O पर जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो हमारा कैलकुलेशन किस प्रकार है, पहले हम पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा कितना मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ओ पर, ठीक है, ओनली वी आर कंसिडरिंग दिस पार्ट, दिस हाफ पार्ट। तो हमारा फोर्स कितना है एफ इंटू डी, डी हमें करना है, एफ कितना है 10 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है ओ से ए का 0.25, ठीक है 0.25, तो हमने वो लिख दिया 10 इंटू 0.25 प्लस बी के द्वारा। अब हम इस हाफ पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे भी एफ इंटू डी, तो एफ कितना है 10 इंटू 0.25, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 10 को कॉमन ले लिया और 10 को हमने कॉमन ले लिया एंड हमारा 0.25 प्लस 0.25 हो गया एंड दैट बिकेम 10 इंटू 0.5 न्यूटन मीटर एंड फाइनली वी आर गेटिंग 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो आप एक चीज़ देखिए, चाहे हमारा कपल के केस में, व्हेन अ कपल इज फॉर्म्ड, कपल के केस में बॉडी जहाँ पे फोर्स लग रहा है और बीच में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट की हम बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमेशा सारे पॉइंट्स में इक्वल है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, तो पॉइंट ए पर भी हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 5 न्यूटन मीटर, पॉइंट बी पर भी 5 न्यूटन मीटर और पॉइंट ओ जो बीच में वहाँ पे भी 5 न्यूटन मीटर। तो ये कंडीशन कब होता है, जब कपल फॉर्म्ड होता है, ओनली इन द केस ऑफ कपल। जब कपल नहीं फॉर्म होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे कपल फॉर्म्ड नहीं हुआ था, क्यों अब फिगर में देखिए, क्योंकि सिंगल फोर्स काम कर रहा है, ओनली वन फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज एक्टिंग हियर, सो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं ही नहीं, तो कपल का तो कंडीशन ही नहीं है। इसीलिए अगर कपल नहीं है तो वहाँ पे पॉइंट्स के चेंज होने पर मोमेंट ऑफ फोर्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 न्यूटन मीटर था और ए पर 4 न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कपल होने पर मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज नहीं होता है, किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 1.33 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है और यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमारा 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग किया गया है, 0 से 100, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मीटर रूल है। इट इज प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम, ठीक है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम, और फल्क्रम किस पॉइंट पर है 50 में, उसे फल्क्रम किया गया और लिख भी दिया है प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे इसे फल्क्रम है, मिड पॉइंट कितना है 50, डायग्राम में भी शोन है। ओके, एंड हैविंग अ वेट 40 ग्राम फोर्स एट 10 सेंटीमीटर मार्क, तो 10 सेंटीमीटर मार्क पर 40 ग्राम फोर्स रखा गया है, तो ये डायग्राम में भी उन्होंने शो कर दिया है। एंड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट 90 सेंटीमीटर मार्क, तो 90 सेंटीमीटर मार्क पे 20 ग्राम फोर्स का वेट को रखा गया है, ठीक है। अब हमें से पूछा है इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, क्या ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूछ रहा है क्या ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में, तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये हमने पढ़ा था, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, अगर ये हुआ, अगर ये कंडीशन है तभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितना है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितना है, अगर दोनों बराबर है तो हम कह देंगे कि यस दे आर इन इक्विलिब्रियम, अगर दोनों इक्वल नहीं है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स के द्वारा लगाया जा रहा है, 40 ग्राम फोर्स के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और 20 ग्राम फोर्स के द्वारा क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, आपको स्टेटमेंट लिखना होगा,
ठीक है, मैं उतना स्टेटमेंट्स यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो यहाँ पे एफ कितना है, 40 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितना है हमारा, तो डिस्टेंस है 10 से 50, यानी 50 माइनस 10 तो दैट इज 40, तो 50 माइनस 10 इज 40, यानी 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। दिस इज द यूनिट ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि हमने फोर्स यहाँ न्यूटन में नहीं लिया, हमने ग्राम फोर्स में लिया, इसलिए हमारा यहाँ ग्राम फोर्स आ गया, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर में लिया, तो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया वो कितना आ गया, 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमें निकालने के लिए हमारा वही फॉर्मूला है एफ इन टू डी। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जब हम निकाल रहे हैं, मैं इस पोर्शन में कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज मोमेंट जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें भी एफ इंटू डी करेंगे, तो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट किस एफ से प्रोड्यूस हो रहा है, किस फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, 20 ग्राम फोर्स से, ये वाला फोर्स है ना, 20 ग्राम फोर्स से, और उसका डिस्टेंस कितना है फल्क्रम पॉइंट से, तो यहाँ 50 और 90 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 90 माइनस 50 कितना होगा, 40, तो 40 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया इस केस में, तो हमारा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आया, क्लॉकवाइज मोमेंट 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आया, तो दोनों तो अलग अलग है, तो क्या हम कह सकते हैं द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि पूछा है, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, तो हमने लिख दिया नो, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, 1600 से तो ज्यादा होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम जाएगा, यानी ये इधर झुक जाएगा नीचे की तरफ, जिधर 40 ग्राम फोर्स है उधर की तरफ ये स्केल झुक जाएगा, ये बैलेंस नहीं रहेगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ठीक है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो लेकिन आप इसे इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे ला सकते हैं, अगर आपको 40 ग्राम फोर्स का वेट दे दिया जाए तो आप उसका यूज करके इसे इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे ला सकते हैं। तो इसको समझने से पहले लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन। तो सेकेंड पार्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है कि 40 ग्राम फोर्स का यूज करके मुझे स्केल को बैलेंस करना है, क्योंकि स्केल तो अभी बैलेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, 1600 है, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, सिर्फ 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है। ओके, तो ओके, नाउ हमें कितना वेट दिया गया है, 40 ग्राम फोर्स का वेट हमें दिया गया है, 40 ग्राम फोर्स। अब हम कहाँ रखेंगे, आप सोचिए, हम इस साइड में रखेंगे या इस साइड में रखेंगे, किधर हम 40 ग्राम फोर्स को रखेंगे। तो भैया इधर तो स्केल ऑलरेडी झुका हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्केल ऑलरेडी झुका हुआ है, तो उस साइड अगर हम 40 ग्राम फोर्स को और रख देते हैं तब तो स्केल बैलेंस होने का सवाल ही नहीं उठता। तो 40 ग्राम फोर्स मुझे कहीं इस साइड रखना है, ठीक है, तो मुझे जिधर 20 ग्राम फोर्स रखा हुआ है उस साइड मुझे कहीं पे मुझे रखना है 40 ग्राम फोर्स, ताकि ये स्केल बैलेंस में आ जाए। तो ये चीज़ तो पहले क्लियर हो गया कि मुझे जिधर 20 ग्राम फोर्स है उस आर्म में मुझे किसी पॉइंट पर 40 ग्राम फोर्स को मुझे रखना है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस पॉइंट पर रखना है, तो लेट दैट डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स हम इमेजिनरी कहीं पे भी रख रहे हैं, और पाइवट से इसकी दूरी को हम x मान लिए हैं, ठीक है, पाइवट से दूरी इसकी कितनी है, x है। किसकी दूरी, ये जो 40 ग्राम फोर्स हम रखे हैं किसी भी पॉइंट पर इस साइड में, उस डिस्टेंस को पाइवट से हम x मान लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमें ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा था, वो 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ये 20 ग्राम फोर्स के वजह से तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, कितना था हमारा
800 ग्राम फोर सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमने 40 ग्राम फोर्स और एक्स्ट्रा रखा तो उस वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसका फोर्स कितना है 40 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितना है x। तो अगर हमें स्केल को बैलेंस करना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और ये क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों को हमें इक्वल करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का यही कंडीशन है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल होना है। तो 1600 ग्राम फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर प्लस 40x, ठीक है, प्लस 40x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1600 इधर 800 को भेज देंगे तो 1600 माइनस 800 तो हमारा कितना आएगा 800, 1600 माइनस 800 इज 800 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हमारा 40x, 00 कैंसिल और ये हमारा 20 हो गया, यानी x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी फलक्रम से हम, या इस फिगर को देखिए, फलक्रम से हम इस साइड 50 हमारा फलक्रम पॉइंट है, तो 50 से हम इस साइड और 20 सेंटीमीटर, यानी कौन सा पॉइंट है वो 70 सेंटीमीटर मार्क, 50 प्लस 20 कितना होता है 70, यानी 70 सेंटीमीटर मार्क पर अगर हम 40 ग्राम फोर्स को रखेंगे तो अभी हमारा स्केल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgs सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, तो क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले फिगर हमें बनाना है, क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं बना हुआ है। तो व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgs, बॉय का वेट, एक लड़का है, लड़के का वेट कितना है 20 kgs वेट है उसका, और वो बैठा हुआ है, इट इज ही सिटिंग एट वन एंड, किसी एक कोने में बैठा हुआ है ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, एक सीसॉ है, सीसॉ का एग्जैक्टली मिडिल में पाइवट किया हुआ रहता है, हमें ये पता है। ओके, ये सीसॉ है और सीसॉ का लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, ठीक है, और 20 kgf का एक लड़का किसी भी कोने में बैठा हुआ है, किसी भी साइड में, तो हम चलिए इसी साइड में इसको शो कर देते हैं, इधर वो बैठा हुआ है और उसका वेट कितना है 20 kgf, यानी 20 kgf फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, ऑब्वियसली इस साइड में वो डिप्रेस हो जाएगा क्योंकि इधर इस साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अभी कोई फोर्स नहीं है। ओके, नाउ हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजिशन, अब पूछ रहा है हाउ कैन इट बी ब्रॉट, आप इसे हॉरिजॉन्टल पोजिशन में कैसे ला सकते हैं, बाई अ मैन वेइंग 40 kgf, 40 kgf वेट का एक आदमी के द्वारा, 40 kgf आदमी के द्वारा आप इस सीसॉ को हॉरिजॉन्टल यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सपोज 40 ग्राम का आदमी, 40 kgf का आदमी इधर बैठ गया और ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, तो लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम फलक्रम टू द मैन वेयर ही इज सिटिंग बी एक्स, तो ये 40 ग्राम kgf का जो आदमी है ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये 20 kgf वेट का जो बच्चा है ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और मुझे सीसॉ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना है। ठीक है, तो दोनों मोमेंट्स इक्वल होंगे तभी ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम यही बोलता है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पहले कैलकुलेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज एफ इंटू डी, एफ कितना है 20 kgf, डी कितना है, डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, तो ऑब्वियसली ये एक कोना में बैठा हुआ है तो फलक्रम से ये कितना होगा, ये टोटल हमारा सीसॉ का लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है तो एग्जैक्टली बीच में उसका फलक्रम है, तो कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली 2 मीटर होगा, तो 2 मीटर की दूरी पर वो बैठा हुआ है, यानी 2 kgf मीटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, 2 kgf मीटर विच शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट एफ इंटू डी, एफ कितना है 40 kgf और डिस्टेंस कितना है एक्स, जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, यानी ये एक्स 1 मीटर है, यानी अगर ये आदमी 1 मीटर की दूरी फलक्रम से बना के बैठता है दूसरे साइड में तो ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, इफ द मैन सिट्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द बॉय, जिस बॉय के ऑपोजिट साइड में वो 1 मीटर की दूरी फलक्रम से बना के बैठता है ये 40 kgf का आदमी, तो ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट।
The diagram below shows a uniform bar supported at the middle point O. ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम को बनाया गया है और डायग्राम क्या लिखा गया है कि इट इज सपोर्टेड एट, सपोर्टेड का मतलब ही पाइवटेड, इट इज पाइवटेड एट मिडिल पॉइंट ओ, ये मिडिल पॉइंट पर इसे रखा गया है। आप देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर का हाफ मीटर रूल नहीं है क्योंकि इसको स्टार्ट भी 50 से किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इधर ये जीरो है सेंटर में, तो जीरो से 50 इधर, जीरो से 50 दूसरे साइड में भी, तो दोनों साइड में 0 से 50, इधर भी 0 से 50। तो ये कुछ अलग डायग्राम है लेकिन उससे भी हमारा कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, अप्रोच बिल्कुल सेम है, आप उसमें कंफ्यूज मत कीजिए। ओके, नाउ इस फिगर में देखिए, इसको पाइवट एग्जैक्टली मिडिल में किया गया है क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इट इज पाइवटेड और सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। नाउ क्या लिखा है नेक्स्ट, अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना फोर्स को रखा गया है, 40 ग्राम फोर्स, फिगर में भी बनाया हुआ है, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि 40 ग्राम फोर्स का एक वेट हम पॉइंट जहाँ पे 40 मार्क किया गया है उस साइड में, लेफ्ट साइड में, पॉइंट ओके लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट भी लिख दिया है, लेफ्ट साइड में हमने रख दिया है। नाउ हाउ कैन यू बैलेंस, अब आप बैलेंस कैसे कीजिएगा क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं ना है क्योंकि इधर हमने वेट रख दिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए 40 ग्राम फोर्स हमने वेट रख दिया है लेकिन क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अभी भैया कोई भी फोर्स नहीं है, तो आप कैसे बैलेंस कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 kgf, आप 80 ग्राम फोर्स का वेट यूज करके आप कैसे स्केल को बैलेंस कीजिएगा। सबसे पहली बात, 80 ग्राम फोर्स हम किधर रखेंगे, इस साइड तो ऑब्वियसली नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी स्केल झुका हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरे साइड में रखना होगा, ऑपोजिट साइड में रखना होगा, लेकिन कहाँ रखेंगे, तो उस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं कि वो x दूरी पर, कहाँ से x, फलक्रम से x दूरी पर उसे रखा गया है, 80 ग्राम फोर्स मान लीजिए x दूरी पर रखा गया है, 80 ग्राम फोर्स वेट, ये 80 ग्राम फोर्स कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, 40 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए दोनों का मोमेंट इक्वल होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हमें लिखना है हर बार, ये हमें स्टेटमेंट लिखना है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेनेशन के दौरान लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जब बनाइएगा आप लिखिएगा स्टेटमेंट्स वगैरह सब चीज़, मैं बस कॉन्सेप्ट को आप में फीड कर रहा हूँ, आपको कैसे बनाना है, अप्रोच क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कितना है हमारा, एफ इंटू डी, एफ कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स के द्वारा बन रहा है, ये 40 ग्राम फोर्स के वजह से, तो 40 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो 40 है दिख रहा है फिगर में क्योंकि ये जीरो है, ओ पॉइंट जीरो है, तो जीरो से 40 है, इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स के द्वारा बन रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट 80 ग्राम फोर्स के वजह से, जिसको हमने प्लेस किया कितना दूरी पर, x दूरी पर, तो f इंटू डी यानी 80 इंटू x, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 20, आप इसको सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को, 40 इंटू 40 इंटू 8 इक्वल्स टू 80x सॉल्व कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी ये x का वैल्यू कितना है 20, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जब हम रखेंगे फलक्रम से ऑन द राइट साइड ऑफ ओ 80 ग्राम फोर्स को, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है, वी कैन बैलेंस इट बाय प्लेसिंग अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 20 आया था, 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के राइट साइड, तो ये आप क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, क्योंकि ये एक एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए आपके आंसर में, आप क्लियरली मेंशन करना है कि किस साइड हम 80 सेंटीमीटर मार्क 80 ग्राम फोर्स को रखेंगे और कितनी दूरी पे रखेंगे। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग द न्यूमेरिकल्स क्लियरर और आपका कॉन्फिडेंस भी अब न्यूमेरिकल्स में बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपका जो प्रॉब्लम था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ कम हमने डिस्कस किया था लेक्चर वन में, अभी हमको मुझे ये लगता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम था ये सॉर्ट आउट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इतना जो क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इस लेक्चर के दौरान, ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप विश्वास कीजिए कि आप एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, बिकॉज ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ इन योर कॉपी यू गेट दैट कॉन्फिडेंस,
कई बार लगता है देखने से कि ये तो मैं बना लूंगा, एक्सप्लेनेशन तो मुझे समझ में आ गया है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट बना लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और आज का यही होमवर्क भी है, तो कोई सेपरेट होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ आज इस लेक्चर में। आज आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आज जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के दौरान, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस अपने कॉपी में करके आप मुझे सेंड कीजिएगा। यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और ये बहुत ही आज आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप घर में हैं अभी, घर से बाहर आप निकल नहीं पा रहे हैं, और घर में रहिए, सेफ रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और घर में बैठकर आप क्या कीजिए, आप समय को यूटिलाइज़ कीजिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो समय है आप यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि क्लास 10 आपका बोर्ड्स है आप सामने, तो लॉकडाउन पीरियड में अभी जब हम लोग बैठे हुए हैं घर में, टाइम को वेस्ट ना करके आप दूसरे लोगों से, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से आप आगे बढ़ जाइए, 10 कदम आगे निकल जाइए, तो आपको ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट वन पर्सन एवर हैज़, ठीक है। और कई एक लोगों एक आदमी ने कहा टाइम इज़ मनी, तो ठीक है, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड टुडे बाय द वे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, वी विल डिस्कस 6 questions एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फीडेड इनटू वन क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चंस एक तरह से कॉन्सेप्ट फीड किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझिए, आपका कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी वेरी वेरी क्लियर। क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका मास कितना है, 100 ग्राम मास है। किसका मास है, यूनिफॉर्म मीटर रूल का। तो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यानी 100 सेंटीमीटर का एक रूल है और उसका मास 100 ग्राम है। इट इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम, उसे बैलेंस किया गया है फल्क्रम पे एट मार्क 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पे उसे फल्क्रम दिया गया है और वो बैलेंस भी किया गया है। आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ से 22 से हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले फिगर को बनाते हैं। तो हमारा ये 100 सेंटीमीटर का मीटर रूल है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का ही होता है ना मीटर रूल, तो हमारा ये 100 सेंटीमीटर का मीटर रूल है। ओके, और हमने ये एग्जैक्टली बीच में उसका क्या होगा, 50 मार्क होगा, लेकिन 50 में उसे पाइवट नहीं किया गया है। उसे किस पॉइंट में पाइवट किया गया है, 40 पर पाइवट किया गया है, क्वेश्चन में बोल दिया है 40 सेंटीमीटर पर उसे पाइवट किया गया है। नाउ हाउ इट इज पाइवटेड, अब पढ़ते हैं आगे। बाई सस्पेंडिंग एन अननोन मास m, एक अननोन मास है m, उसका मास मुझे नहीं पता, अननोन मास है m, एट मार्क 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मार्क पे, यानी 20 सेंटीमीटर मार्क पे हमने एक m मास को सस्पेंड किया है, तब जाके मुझे ये मीटर रूल क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ इट इज बैलेंस्ड, तब ये बैलेंस हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालिए। तो ये m जो मास है, इस मास के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसी के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है, क्योंकि ये m मास के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आप सोचिए, ये अप्रोच थोड़ा यहाँ डिफरेंस है कि आप सोचिए, इस साइड में तो हमने कोई फोर्स को रखा नहीं है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन में देखिए कि ऑलरेडी यूनिफॉर्म मीटर रूल का मास बोल दिया गया है, मास कितना है क्वेश्चन में, मीटर रूल का मास 100 ग्राम है। तो वो 100 ग्राम किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, हमने ऑलरेडी बताया है आपको कि मास ऑफ द मीटर रूल उसके मिड पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है, यानी 50 मार्क है इसका, उस 50 मार्क पे इसका जो मास है, स्केल का जो मास है, जो 100 ग्राम मास है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कोई एक्स्ट्रा मास हमने वहाँ पे लटकाया नहीं है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो अपना सेल्फ मास है वो उसके मिड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी 100 ग्राम का मास 50 सेंटीमीटर मार्क पे ऑलरेडी है। और हमने एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर मार्क पर एक m नाम का फोर्स
मास को हमने लटका दिया है, तो ये 100 ग्राम के वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और एम के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमारा स्केल बैलेंस्ड स्टेट में है, तो हमें एम का वैल्यू निकालना है। नाउ वी विल यूज दैट इक्वेशन ओनली विच वी आर ऑलवेज यूजिंग, कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो रहा है, तो F इंटू डी, F हमारा कितना है मास, F फोर्स कैसे निकालते हैं मास से, mg करके, ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हो गया mg, क्योंकि मास से फोर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम mg लिखते हैं, तो mg इंटू हमारा डिस्टेंस d, डिस्टेंस कितना है 20 से 40 के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 माइनस 20 दैट इज 20, ओके, एंड हियर हम यहाँ पे हमारा 100 ग्राम का मास हमारा लग रहा है, तो हमने यहाँ पे भी 100 इज द मास ऑफ द मीटर रूल 100 ग्राम, और हमने यहाँ जी लगाया, ये जी जो हम लगा रहे हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है, यहाँ पे भी हमने जो जी लगाया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी है, एम इंटू जी, तो यहाँ पे भी 100 इंटू जी हमने लगाया, और ये हमारा फोर्स हो गया 100 जी, और कितना डिस्टेंस है 40 से 50 के बीच, कितना डिस्टेंस है 10, 50 माइनस 40 इज 10, तो हमने 10 लिख दिया इधर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा m का वैल्यू, जी जी कैंसिल, 25 ज़ा 100, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 10 था, ठीक है, 10 डिस्टेंस, तो हमारा m कितना हो गया 50, और हमारा यूनिट क्या होगा ग्राम, तो हमारा 50 ग्राम विल बी द मास ऑफ द अननोन मास, m का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब पूछ रहा है टू विच साइड, सेकेंड पार्ट को पढ़िए, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट, किस साइड रूल टिल्ट हो जाएगा इफ द मास m इज मूव्ड टू मार्क 10 सेंटीमीटर, तो किस साइड ये रूल टिल्ट हो जाएगा अगर हम मास m को 10 सेंटीमीटर मार्क पे ले आते हैं, अभी किस मार्क पे है 10, ये 50 ग्राम का जो m मास है, m जो मास है वो किस पॉइंट पर है अभी 20 सेंटीमीटर पर है, लेकिन अभी हमको लाना किस में है 10 सेंटीमीटर पे, हमें उसे शिफ्ट करना है, तो 10 सेंटीमीटर पे जब हम शिफ्ट करेंगे तब इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पूछ रहा है किस साइड वो टिल्ट होगा, ये हमें निकालना है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। Okay, let me clear the screen first. Please have some patience. चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं। Okay, now हम फिगर को बनाते हैं फिर से, कि हमारा ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसको पाइवट 40 पे किया गया है, ठीक है, 40 पे इसको पाइवट किया गया है, और ये जो 50 है एग्जैक्टली मिडिल में, 50 में 100 ग्राम का बॉडी का अपना यूनिफॉर्म मीटर रूल का अपना मास है, और अभी हमने 10 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर मार्क पे हमने क्या किया है, ये m जो मास था हमारा, m हमने कैलकुलेट कर लिया ना, अभी कितना आया था हमारा m 50 ग्राम हमारा जो m है इसको हमने 10 सेंटीमीटर पे ले आया है, हमने इसको 20 से 10 सेंटीमीटर पे हमने इसको लेके आ गया है, तो हमारा अभी पूछ रहा है किस साइड टिल्ट करेगा, तो हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम अभी कितना है, चेंज हो गया होगा ना पहले से क्योंकि हमने तो शिफ्ट कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है F इंटू डी, F हमारा कितना है 50 ग्राम फोर्स, और हमारा डिस्टेंस कितना है 40 से 10 के बीच, तो 40 माइनस 10 दैट इज 30, तो 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि हमने वेट किस में लिया था ग्राम फोर्स में, और हमारा डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ गया, और क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा कितना होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट तो इस 100 ग्राम के वजह से आया है, तो हमारा वेट कितना है 100 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना है 50 माइनस 40, ये डिस्टेंस है 10, 50 माइनस 40, तो हमारा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब आप खुद देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर ज्यादा है क्लॉकवाइज मोमेंट से, क्लॉकवाइज मोमेंट 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, तो ये किस साइड झुक जाएगी, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज साइड में झुक जाएगी,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ज्यादा है, यानी किस साइड झुकेगी, जिस साइड में मास m है, यानी जिस साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है m के द्वारा, उस साइड झुक जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है टू का, कि इट विल टिल्ट ऑन द साइड ऑफ मास m, जिधर हमने मास m को रखा है उधर वो टिल्ट हो जाएगी। ओके अभी फिर क्या पूछा है, नाउ हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन हम मिस आउट कर जा रहे थे। थर्ड पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, रिजल्टेंट मोमेंट क्या है हमारा, अभी इस स्थिति में हमारा रिजल्टेंट मोमेंट क्या है। तो रिजल्टेंट मोमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट विथ द साइन, ये चीज याद रखे, रिजल्टेंट मोमेंट जब हम निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट विद द साइन। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम किस साइन से लेते हैं, प्लस साइन से लेते हैं, याद है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो हमारा 1500 है ये पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम जब रिजल्टेंट मोमेंट यूज कर निकालने जा रहे हैं तो हमको साइन का जरूरत है। तो ये जो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्लॉकवाइज मोमेंट है ये हमारा नेगेटिव है। अब हमको रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है तो हम दोनों को साइन के साथ एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, यानी 1500 प्लस माइनस 1000, 1500 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 यानी 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसमें उसका रिजल्टेंट मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। आंसर नंबर थ्री क्या लिखा हुआ है, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन लिटिल बिट। ओके नाउ दिस इज आवर कंडीशन, दिस इज द डायग्राम, आपको डायग्राम कॉपी में अच्छे से बनाना है, अभी तो मैं रफ में बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड। अभी तो ये बैलेंस स्थिति में नहीं है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, अभी 1500 है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, और क्लॉकवाइज मोमेंट 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर है। तो मुझे अभी इसको बैलेंस करना है, कितना फोर्स दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है, 50 ग्राम का मास का हेल्प लेके हमें बैलेंस करना है। तो हम किस साइड रखेंगे, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है तो हम इस साइड में तो रखेंगे नहीं बिल्कुल, हमें दूसरे साइड में, इस साइड में हमें रखना है, ऑपोजिट साइड ऑफ m हमें रखना है, क्योंकि उधर जो मोमेंट है क्लॉकवाइज मोमेंट कम है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पॉइंट हम ले लेते हैं, उस पॉइंट पे हमने कितना 50 ग्राम का हमने जो हमें जो मास दिया हुआ है उसको हमने लटकाया है, और उसकी दूरी फलक्रम से कितनी है, हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो x दूरी पे हम उसे लटकाए हैं, आपको क्लियर हो रहा है फिगर। तो 40 जो फलक्रम है 40 मार्क पे, उससे x दूरी पे हमने 50 ग्राम का फोर्स को लटका दिया है। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है हमारा 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, एक तो ये 100 ग्राम जो स्केल को ऑलरेडी है इसके वजह से जो क्लॉकवाइज मोमेंट आया था वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ना, 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर था, लेकिन अभी हमने एक्स्ट्रा डाला 50 ग्राम जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसके वजह से कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमने उसको ऐड कर दिया प्लस 50 इनटू डिस्टेंस क्या है x, 40 से x है। तो ये इक्वेशन जो हमें अब दोनों को इक्वेट करना है, किसको किसको इक्वेट करना है, 1500 जो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है 1500 ग्राम फोर सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट विच इज इक्वल टू 1000 प्लस 50 x। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू 50 आएगा, क्योंकि आप सॉल्व करके देखिए 1500 माइनस 1000 तो इट इज़ 500 एंड 500 इक्वल्स टू 50x आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 50 आएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो यानी अगर हम 50 सेंटीमीटर मार्क पर, यानी जहाँ पे 100 है या जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 100 ग्राम, वहीं पे उसी पॉइंट पे अगर हम 50 ग्राम का मास को सस्पेंड करते हैं 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। इसलिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, बाय सस्पेंडिंग द मास 50 ग्राम एट द मार्क 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक
It is very, very clear. So these are the 6 questions which we have discussed today. And today's homework is that you please solve all the 6 questions and send me the homework. You know already, you know the email ID in which you have to send the homework. Still, I am mentioning it once again. So the email ID where you have to send the homework is sunando.devnath@yahoo.com. ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आपको होमवर्क भेजना है. So now in the next video we will continue with our second chapter which we have already started. और second chapter जो है हमारा work energy power, इसका lecture 1 हमने already clear, already upload कर दिया है YouTube पर. Lecture 2 से हम continue करेंगे work energy power का, ठीक है. Thanks for watching this video and stay at home and stay well everybody.